प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पृथ्वी महाराज केवल भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदास स्वामी लक्ष्मी जी माधुर में है, तो भगवान के हृदय स्थल में उनका वास है, पर वो भगवान के भक्त के रूप में भगवान के चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं। ठीक है, अगले श्लोक में बताया गया है कि पृथ्वी महाराज लक्ष्मी जी को जगन माता के रूप में देख रहे हैं, वो लक्ष्मी जी को अपनी माता जगत माता के रूप में देख रहे हैं, फलता माधुर भाव के पत्थरों के साथ उनकी स्पर्धा करने का प्रश्न नहीं उठता। सो भी उन्हें बहता कि लक्ष्मी जी कहीं उन्हें भगवान की सेवा में लगा देखकर इसे अपमान न समझे, इससे पता चलता है कि परम जगत में कभी भी भगवान के दासों से भी स्पर्धा चलती है किंतु वह द्वेष रहित होती है। यदि वैकुंठ लोकों में कोई भक्त भगवान की सेवा में आगे बढ़ जाता है तो उसकी श्रेष्ठ सेवा से कोई ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उस पर उस तक स्वयं पहुंचने की आकांक्षा करता है। तो क्या होता है कि भगवान के भक्तों के बीच में भी कभी कभी भगवान की सेवा करने का कॉम्पिटिशन हो सकता है कि मैं करूंगा ऐसे करके, है ना। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि वो ईर्ष्या हो जाए, आपस में कोई ईर्ष्या नहीं रहती है। अगर एक भक्त बहुत अच्छे सेवा करता है तो दूसरे उनसे सीख के ये सोचते हैं कि हम भी इस तरीके से ज्यादा सेवा करें। ठीक है, जगत जनन्याम जगदीश वैश्यतम स्यादेव यत्कर्मणि न समीहितम करोषि फल्गोप्यरुदीनवत्सलः स्वएव धिष्णये विरतस्य खिन्तया। 28वां श्लोक है। जगत जनन्या विश्व की माता लक्ष्मी में जगत ईशा हे विश्व साई वैष्णव क्रोध से आत हो सकता है, एक निश्चय यत कर्मणि जिसके कार्य में ना मेरा समीहितम आकांक्षा करो सी विचार करते फल को कुछ सेवा अपि यद्यपि पूर्व अत्यधिक भीम भक्त लीन विभूति स्नेह करने वाले स्वे अपने एव निश्चय जिस नए तुम्हारे अश्वर में अविरत सत्या परम संतुष्ट किम क्या हो सकता तुम्हारा उसके साथ। हे जगदीश्वर, हे जगदीश्वर, लक्ष्मी जी विश्व की माता है तो भी मैं सोचता हूं कि उनकी सेवा में हस्तक्षेप करने तथा उसी पद पर उसके प्रति वे इतनी आसक्त हैं कार्य करने से वे मुझसे क्रोध हो सकती है। फिर भी मुझे आता है कि इस भ्रम के होते हुए भी आप मेरा पक्ष लेंगे, क्योंकि आप दीन वत्सल हैं और आप भक्ति कुछ सेवाओं को भी बहुत करके मानते हैं, अतः यदि वे रुष्ट भी हो जाएं तो आपको कोई हानि नहीं होगी क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं, अतः उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। क्या कह रहे हैं कि जब मैं भी वही सेवा करूंगा लक्ष्मी जी भी वही सेवा करेंगी। वैसे लक्ष्मी जी तो जगत की माता है विश्व की माता है, पर फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि जब उनकी सेवा में हस्तक्षेप होगा तो गुस्सा हो सकती है, क्रोधित हो सकती है लक्ष्मी जी, तो उसमें आप मेरी साइड लेंगे ये मुझे विश्वास है। तो महाराज कह रहे हैं कि आप मेरी साइड लेंगे, लक्ष्मी जी अगर गुस्सा हो भी जाए तो आप उनकी चिंता नहीं करेंगे, आप मेरी साइड लेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। कह रहे हैं कि आप तो आत्मनिर्भर है, अगर लक्ष्मी जी गुस्सा होकर चली भी गई तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उनके बिना भी आपका काम करो। तो माता लक्ष्मी जी भगवान नारायण की नितांत चरण सेवा के लिए विख्यात है, हमेशा करती है। वे आदर्श पत्नी हैं क्योंकि वे हर प्रकार से भगवान नारायण का ध्यान रखती हैं। वे ना केवल उनके चरण कमलों का ध्यान रखती हैं बल्कि घर का सारा काम भी करती हैं और सुस्वादु भोजन पकाती हैं, भगवान के भोजन के समय पंखा जलाती हैं, उनके मुख पर चंदन लेप करती हैं तथा उनकी सैया तथा आसन को व्यवस्थित करती हैं, बेड लगाती हैं भगवान। इस प्रकार वे भगवान की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं, जिसके कारण अन्य किसी भक्त को भगवान के नित्य कर्मों में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं प्राप्त होता। क्या करती है लक्ष्मी जी, भगवान के लिए खाना बनाती हैं, भगवान के लिए खाना भगवान खाएंगे तो पंखा हिलाएंगी, है ना, उनको चंदन लगाएंगी, उनके लिए बिस्तर लगाएंगी। कौन? लक्ष्मी जी। और हमें लगता है कि वो लक्ष्मी जी आ जाए हमारे घर में हमारी सेवा करने लगे, है ना।
ये रावण का मेंटालिटी है वैसे, रावण ऐसे सोचता था कि सीता जो है मेरी सेवा में लग जाए, तो रावण का क्या हुआ, रावण का हो गया सर्वनाश। तो आजकल के समाज में सब लोगों को लक्ष्मी तो सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए कि नहीं, धन दौलत पैसा सबको चाहिए, हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है और सोचता है कि पैसे को मैं, जैसे रावण ने क्या सोचा था, रावण ने सोचा था मैं छल बल से चीटिंग करके और अपनी पावर से लक्ष्मी सीता को अपने पास ले आऊंगा, है नहीं, और उसको अपने कंट्रोल में अपनी सेवा में लगा लूंगा। तो वो चीटिंग भी किया पूरा पावर से ले के, तो घर में ले तो आया सीता माता को, लेकिन लंका दहन भी हुई, फिर रावण भी मरा, और रावण मरा तो मरा सारे मरे जिन जिनने रावण की साइड ली, ठीक है। तो हमें अब हमें लगता है हमारे घर में बहुत कष्ट है, हमारे घर में सभी दुखी है, क्यों दुखी है, क्योंकि हम सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, कृष्ण को नहीं चाहते, नारायण को नहीं चाहते, नारायण की शरण लेनी है, लक्ष्मी जी तो अपने आप कृपा कर देंगे। पिछले उसने बोला था जहां पे कीर्तन हो रहा है वहां लक्ष्मी जी जाती है, तो जहां विष्णु जाएंगे वहां लक्ष्मी जाएंगे। अब आप चाहे भाई किसी भी पत्नी किसी भी स्त्री को पूछो, उसको इन्विटेशन दिया आपने, उसके हस्बैंड को नहीं दिया, वो आएगी क्या, नहीं आएगी, क्यों आएगी, मतलब लक्ष्मी जी को तो सब खींच रहे हैं, आ जाओ घर में आ जाओ। दिवाली में भी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, विष्णु की नहीं करते ना, मतलब आदमी की मेंटेलिटी भी इतनी है, जितना काम चाहिए उतनी पूजा करो, ज्यादा लक्ष्मी से काम बनना है विष्णु क्यों करे। लेकिन ये नहीं जानते कि ये लक्ष्मी जी देखो क्या बता रहे, लक्ष्मी जी भगवान के लिए खाना बना रही है, वो खाना खाएंगे तो उनकी पंखा हिलाएंगी, वहां पे साफ सफाई कर लेंगी, झाड़ू वाड़ू लगाएंगी, सब करती है लक्ष्मी जी, वो सब छोड़ के यहाँ आएंगी आपके पास। हमको ऐसा लग रहा है हम लोग मरे पड़े हैं पैसा के लिए, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ये है कि पहले तो उसको कोई इच्छा नहीं है, और वो वैसे ही भगवान की सेवा करता है तो जितना जरूरत का होता है लक्ष्मी जी तो वैसे ही दे देंगे, क्योंकि भगवान का भक्त है कि नहीं। इसलिए अकेले सिर्फ लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो सकते हैं रावण के जैसे, समझ आ रहा कि नहीं, डरा नहीं रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं। तो पृथ्वी महाराज को लगभग विश्वास था कि लक्ष्मी जी की सेवा में, उनको पूरा विश्वास था कि लक्ष्मी जी की सेवा में हस्तक्षेप करने से वे चिढ़कर उन पर रुष्ट हो सकती है, लक्ष्मी जी क्या हो सकती है भगवान पृथ्वी महाराज पर नाराज हो सकती है भाई, ठीक है, मेरी सेवा में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो आप। तो आगे क्या कह रहे हैं, किंतु जगत जननी लक्ष्मी जी पृथु महाराज जैसे तुच्छ भक्त पर क्यों क्रोध हो, क्यों क्रोध हो सकती है, ऐसा संभव नहीं था। फिर भी पृथु महाराज अपने बचाव के लिए भगवान से अपना पक्ष लेने की याचना करते कि मेरी साइड लेना। पृथु महाराज सामान्य वैदिक अनुष्ठानों को करने तथा कर्म कांड के अनुसार यज्ञ करने में लगे थे, किंतु भगवान अत्यंत दयालु एवं अत्यंत सुधार होने के कारण उन्हें जीवन का परम पद अर्थात भक्ति प्रदान करने के लिए उद्यत थे। तो जब कोई व्यक्ति वैदिक अनुष्ठान तथा यज्ञ करता है तो वह उच्च लोकों में जाने के उद्देश्य से ऐसा करता है, किंतु ऐसे यज्ञों के द्वारा कोई भगवान के धाम जाने का अधिकारी नहीं होता। पूजा पाठ यज्ञ दुनिया भर का आप करेंगे और ये सब करने से कोई भगवान के धाम नहीं पहुंच सकता, फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि किसी की तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करके परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं, छोटी छोटी सेवा को भी वो स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान के प्रसन्न होने पर यज्ञकर्ता भक्ति योग के पद को प्राप्त होता है। अदा पृथु महाराज को आशा थी कि भगवान उनकी छोटी सी सेवा को लक्ष्मी जी की सेवा से बढ़कर मान लेंगे। लक्ष्मी जी चंचला कहीं जाती है क्योंकि वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। अदा पृथु महाराज ने संकेत किया कि यदि क्रोध व से अन्यत्र चली भी जाए तो भगवान विष्णु को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि भगवान विष्णु तो आत्मनिर्भर है और लक्ष्मी जी के बिना भी वे सब काम कर सकते हैं। भगवान को किसी की जरूरत नहीं होती है, भगवान किसी पर भी निर्भर नहीं है। कोई सोचे कि भगवान मेरे ऊपर निर्भर है, भगवान किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है, आत्माराम है वो, ठीक है। भगवान ने
बिना किसी की सहायता के सृष्टि बना दी, ब्रह्मा को जन्म दे दिया, है ना। भगवान ने ब्रह्मा को अपनी नाभि से पैदा कर दिया। जनरली ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। स्त्री और पुरुष मिलके जो है संतान को पैदा कर सकते हैं, भगवान स्वयं में सक्षम है। किसी भी चीज की भगवान को किसी से भी कोई आता नहीं है, सब भगवान पर निर्भर है, भगवान किसी पर निर्भर नहीं है, ठीक है। आगे बता रहे हैं, उदाहरण के लिए पृथु महाराज ने संकेत किया कि अगर लक्ष्मी चली भी जाए तो भगवान को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भगवान आत्मनिर्भर है, लक्ष्मी जी के बिना भी वे सब काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब गर्भवत्ता विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया तो उन्होंने पास में स्थित चरण दबाती लक्ष्मी जी से कोई सहायता नहीं दी, ठीक है। ब्रह्मा जी का जन्म ऐसे ही हो गया। तो सामान्य रूप से जब पुत्र उत्पन्न करना होता है तो पत्नी पति से गर्भधारण करती है और समय आने पर पुत्र जनती है, किंतु ब्रह्मा जी के जन्म में गर्भोदक्षाई विष्णु से लक्ष्मी ने गर्भ धारण नहीं किया। आत्मनिर्भर होने के कारण भगवान ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। अतः पृथु महाराज को विश्वास था कि यदि लक्ष्मी जी उनसे रुष्ट हो भी जाए तो ना तो भगवान को और ना उन्हें किसी प्रकार की क्षति की संभावना है, ठीक है। 29वां श्लोक, ओके। भजन त्यक्त्वामत एव साधवो व्यवदत्त माया गुण विभ्रमोदयम् भवत् पदानुस्मरण मात्र से सताम् निमित्तमन्यत् भगवन् विसम्यहे। भजन्ति पूछते अथा त्वाम, तुमको अथा एव अथा साधवा, सभी साधु पुरुष व्यवदत्त जो दूर करते हैं माया गुण प्रजति गुण विभ्रम भावनांत विचार उदयम उत्पन्न भवत् आपके पद पद चरण कमल अनुस्मरणात् निरंतर स्मरण करने से रिते सिवाय सता महान पुरुषों का निमित्तम कारण अन्य अन्य भगवान हे भगवान ना नहीं विद्य में समझता। बड़े बड़े साधु पुरुष जो सदा ही मुक्त रहते हैं आपकी भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही संसार के मोह से छुटकारा पाया जा सकता है। हे भगवान, मुक्त जीवों द्वारा आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि ऐसे जीव आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं। कर्मी लोग प्रायः दैहिक सुखों के लिए सकाम कर्म करते हैं, किंतु ज्ञानी भौतिक सुखों की खोज में रुचि नहीं दिखाते। वे जानते हैं समझते हैं कि आत्मा के होने के कारण उन्हें इस भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है। आत्म साक्षात्कार के पश्चात परिपक्व माने मैच्योर बुद्धि वाले ज्ञानी भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो जाना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, बहुनाम जन्म नाम अंते, आत्म साक्षात्कार जब तक पूर्ण नहीं होता जब तक भक्त पद को प्रार्थना हुआ जाए। तो भक्त बनना ही सबसे बड़ी बात है, ज्ञानी योगी कर्मी नहीं बनना चाहिए और बन भी अल्टीमेट क्या बनना है, भगवान का भक्त बनना है। इसलिए भागवत में कहा गया कि जो आत्मा राम है वे प्रकृति के गुणों के समस्त दुखों से मुक्त होते हैं। जब तक मनुष्य प्रकृति के गुणों द्वारा विशेष रूप से रज तथा तमो गुणों के द्वारा प्रभावित रहता है तब तक वह लोभी तथा कामी बना रहता है। अतः वह कठिन परिश्रम में लगा रहकर अहर्निश रजोगुण और तमोगुण के कारण व्यक्ति दिन रात मेहनत करता रहता है और काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि लोभ और काम इतनी इच्छाएं हैं, रजोगुण तमोगुण इतना लालच है कि व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, ठीक है। ऐसे अहंकार जो लगातार क्या होता है, फिर एक योनि से दूसरे योनि में घूमता रहता है, 84 लाख की योनियों में चक्कर काटता रहता है, कष्ट झेलता रहता है, लेकिन समझ नहीं तो और किसी भी योनि में उसको चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। ज्ञानी इस तत्व को जानता है, अतः कार्य बंद करके कर्म संन्यास ग्रहण कर लेता है तो भी वह वास्तविक संतोष को पद नहीं है। तो जो ज्ञानी है वो तो संन्यास बन कर्म संन्यास ग्रहण करके और फिर भी उसको उतना संतोष प्राप्त नहीं होता। तो आत्म साक्षात्कार के बाद ज्ञानी की भौतिक बुद्धि क्या कहती है कि उसे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो
जब वह है तब वह निरंतर भगवान के चरण कमलों में ध्यान, चरण कमलों के ध्यान में मग्न रहता है। ध्यान करने वाले पता नहीं काय काय में ध्यान लगाते हैं, कोई बिंदु पे, कोई लाइट पे। एक्चुअली में ध्यान करना चाहिए सिर्फ भगवान के चरण कमलों, भगवान के सुंदर रूप पर ध्यान लगाना चाहिए। इसमें प्रभु महाराज ने यह निष्कर्ष निकाला कि जिन मुक्त व्यक्तियों ने भक्ति पथ ग्रहण कर लिया है उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। यदि मुक्ति अपने आप में अंत होती तो मुक्त व्यक्ति द्वारा भक्ति ग्रहण किए जाने की आवश्यकता न होती। दूसरे शब्दों में भगवान के चरण कमलों की भक्ति से प्राप्त होने वाला आनंद आत्म साक्षात्कार से प्राप्त दिव्य आनंद अर्थात आत्मानंद से कहीं बढ़कर है। अतः प्रभु महाराज ने निश्चय किया कि वे केवल भगवान की महिमा का श्रवण करेंगे और इस प्रकार भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगाएंगे, यही जीवन की चरम। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ब्रह्म में मिल जाऊं, मुक्ति माने ब्रह्म में मिल जाए, तो उसमें जो आनंद है उससे कहीं ज्यादा आनंद है भगवान के चरणों की सेवा करने। ठीक है, इसलिए जो है वो उसको करना चाहिए। इसलिए प्रभु महाराज ने क्या निश्चय किया कि बस अपन को क्या करना है, अभी भगवान की कथा सुननी है और भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाना है। हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। इसके बाद 30वां श्लोक हम कल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। एक सेकेंड, आप अपना माइक खोल के प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो अच्छा। ओके देन, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।